ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, विज्ञान विषय में हमारा पहला लेसन जिसका नाम था कृषि प्रबंधन पूरा हो चुका है और आज से हम जो है लेसन नंबर 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु शुरू करने जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा हम अपने चारों ओर जहां भी देखते हैं कुछ स्थानों पर हमें पौधे और जंतु दिखाई देते हैं। ये ऐसे सजीव हैं जो हमें केवल आंखों से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो हमें आंखों से केवल दिखाई नहीं देते और उनको देखने के लिए हमें आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे सजीव जो हमें केवल आंखों से दिखाई नहीं देते उनको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म यानी होता है छोटा, बहुत छोटे जीव को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। तो हम सूक्ष्म जीव की परिभाषा समझ लेते हैं, क्या होते हैं सूक्ष्म जीव, तो ध्यान से समझना आप। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमें केवल आंखों से दिखाई नहीं देते। किससे दिखाई नहीं देते? केवल आंखों से। तो हमें कैसे दिखाई देंगे? तो इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम इंग्लिश में माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे देखो कौन, जीवाणु, विषाणु, कवक आदि, ये ऐसे जीव है जो हमें केवल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने इनको चार वर्गों में बांटा है। तो कितने वर्गों में बांट सकते हैं सूक्ष्म जीवों को? चार वर्गों में इनको बांटा जा सकता है। कौन कौन से? जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये चार वर्गों में विभाजित होते हैं। अब ध्यान देना, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ विषाणु, ये भी क्या है? सूक्ष्म जीव होता है, जिसे हम बोलते हैं वायरस। क्या बोलते हैं? वायरस। ये भी हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। तो ये क्या होता है वायरस? तो देखो ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। अन्य सूक्ष्म जीव कौन? बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, इनसे भिन्न होते हैं। अब भिन्न कैसे होते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं केवल परपोषी कोशिका, है ना, परपोषी कोशिका मतलब क्या? पादप या जंतु कोशिका में ही गुणन करते हैं। इसमें परपोषी कोशिका, परपोषी मतलब दूसरे जीव में, वो कौन हो सकता है? पौधा हो सकता है या जंतु की कोशिका हो सकती है, ये उसी के अंदर वृद्धि करते हैं। जब तक ये मिट्टी में पड़े रहते हैं ये क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं, इसमें सजीव के कोई भी लक्षण नहीं होते। लेकिन जैसे ही ये कोई सजीव के संपर्क में आते हैं, पौधे के या जंतु कोशिका के, तो ये जो है उसके शरीर में पहुंचकर वृद्धि या गुणन करने लग जाते हैं। इसलिए इसको हमने क्या माना है? अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न माना है। और वर्तमान में तो आप जानते ही हो कोरोना वायरस, ये भी क्या है? विषाणु है, है ना, और ये भी क्या है? सूक्ष्म जीव है जो हमें दिखाई नहीं देता है, और दिखाई नहीं देने के कारण कहीं से भी ये जो है हमको संक्रमित कर सकता है। तो ये क्या है? ये भी सूक्ष्म जीव है, जिसके कारण जो है वर्तमान में बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है। तो विषाणु के या वायरस के बारे में आप समझ गए क्या होते हैं? ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन अन्य से भिन्न क्यों होते हैं? क्योंकि उनको गुणन या वृद्धि करने के लिए किसकी जरूरत होगी? परपोषी कोशिका की। आया समझ में? यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, कौन कौन से रोग जो है इन सूक्ष्म जीवों के कारण हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं विषाणु या वायरस की। किसकी? विषाणु या वायरस की। तो विषाणु या वायरस के द्वारा दो प्रकार के रोग हो सकते हैं, तो सामान्य रोग होते हैं और एक विशेष रोग होते हैं। तो सामान्य रोग में जैसे देखिए जुकाम, फ्लू, जिसे हम आमतौर पर आम बोलते हैं, आंखें आ जाते हैं, इन्फ्लुएंजा, उसको क्या बोलते हैं? फ्लू, और खांसी, ये ऐसे सामान्य रोग है जो किसके द्वारा हो जाते हैं? विषाणु के द्वारा हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के रोग होते हैं, जैसे देखो पोलियो और खसरा, ये विषाणु के द्वारा होने वाले विशेष प्रकार के रोग है।
द्वारा होने वाले रोग ज्यादा हानिकारक और नुकसानदायक होते हैं। अब आगे ध्यान देना, जीवाणु या बैक्टीरिया, ये भी क्या है? सूक्ष्म जीव है। इसके द्वारा टाइफाइड और कौन सा रोग हो जाता है? क्षय रोग, जिसे हम टीबी कहते हैं। समझ गए? तो ये दो प्रकार के रोग इसके द्वारा होते हैं। अब आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक प्रकार के एक कोश के जीवों का समूह होता है और इसके द्वारा अतिसार, अतिसार जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं दस्त। क्या बोलते हैं? दस्त। और मलेरिया, ये रोग हो जाते हैं। मलेरिया आपको पता ही है कौन से वायरस के द्वारा, कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, बताइए। तो मलेरिया जो रोग है ये मादा एरोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है और उसका जो जीवाणु या बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? प्रोटोजोआ। इसके द्वारा ये रोग होते हैं। तो ये आप समझ गए इसके द्वारा सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों का स्थान कहाँ कहाँ पे है, ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो ध्यान देना, ये बर्फीली यानी शीत से उष्ण, उष्ण यानी गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। यानी कि ये बर्फ से लेकर और गर्म बहुत उष्ण जलवायु तक की परिस्थितियों में ये जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा देखो, ये मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान में भी जीवित रह सकते हैं और दलदल में, दलदल यानी कीचड़ या मिट्टी में भी ये जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर जीवित रह सकते हैं। यानी कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर ये जीवित नहीं रह सकते। हर जगह पे हर परिस्थितियों में सूक्ष्म जीव जो है जीवित रह सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव और हम, क्योंकि हमारे पाठ का नाम क्या है? सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्म जीव और हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे? तो देखो, कुछ सूक्ष्म जीव जो है लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव जो है हमको लाभ पहुंचाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं और पौधों और जंतुओं में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो देखिए क्या क्या महत्व है हमारे लिए इनका। तो देखो, पहला, सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग जो है देखो, दही ब्रेड केक बनाने में किया जाता है, यानी कि विभिन्न कार्यों में इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। कैसे? तो देखो, आप जानते हो कि वातावरण में जो फलों के सब्जियों के जो छिलके कचरा पेड़ पौधे होते हैं या मृत जीव जंतु होते हैं उनका ये क्या करते हैं? अपघटन करते हैं और अपघटन करके वातावरण को क्या करते हैं? ये स्वच्छ रखते हैं। तो ये इसका दूसरा महत्व हो गया। इसके बाद देखिए, जीवाणु का उपयोग जो है औषधि बनाने में, औषधि यानी कि दवा बनाने में और कृषि में मृदा की उर्वरता बनाए रखने में इनका उपयोग किया जाता है। मृदा की उर्वरता मतलब मृदा को उपजाऊ बनाए रखते हैं, जिसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो ये हमारे इस प्रकार कुछ इनके उपयोग हो गए सूक्ष्म जीवों के। अब आज हमने जो वीडियो में पढ़ा एक बार हम उसको दोहरा लेते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा? तो सबसे पहले हमने पढ़ा सूक्ष्म जीव की परिभाषा। क्या होते हैं सूक्ष्म जीव? ऐसे जीव जो हमें केवल आंखों से दिखाई नहीं देते और इनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा सूक्ष्म जीवों के प्रकार। तो कितने प्रकार के मैंने आपको बताए? चार प्रकार के। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसके बाद आपने विषाणु के बारे में भी पढ़ा। तो विषाणु क्या होता है? देखो, तो सूक्ष्म जीव है लेकिन यह अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होता है। क्यों भिन्न होता है? क्योंकि इसको जो है भ्रूण या वृद्धि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परपोषी की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपने पढ़ा कहाँ पे सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, तो ये आपको मैंने अभी अभी समझाया। इसी के साथ जो है मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। धन्यवाद।